इसेट करो इस। सो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग 6:30। तो आज का जो प्लान है टूवर्ड्स अहमदाबाद टू कच्छ, ऑलमोस्ट 396 किलोमीटर की जर्नी है। वो अभी 6 बजे उठा था, प्लान था 5 बजे उठने का, पर टेरेस के सोने के बाद आँख ही नहीं खुली। तो यहाँ से एक सनातन चौकड़ी है, वहाँ से लेफ्ट लेके सीधा सीधा ही निकलना है। सुबह सुबह का व्यू है यहाँ का, जो खुली हवा है, खुले रोड, खुली हवा है। जो गन्ने का जूस पिया था बीच में, बहुत महंगा पड़ा, सर्दी हो गई। निकोल पासवर्ड GIDC। तो यहाँ पे एक दिन में पूछते तो फिर गूगल मैप पे देख लेते, साइड में लगा देता हूँ गाड़ी। सुबह के टाइम में जो जर्नी कवर होती है वो दोपहर के टाइम में नहीं होती है। कल जो लास्ट के 60-70 किलोमीटर आया धूप में चलाने के लिए, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही घाट। और यहाँ की जो गर्मी है अहमदाबाद की, बाप रे, चटके लग रहे थे 2 सेकंड के लिए खड़े हुआ था एक जगह पे। आगे जाके ग्लव्स भी पहन लेता हूँ। सजान बिजनेस पार्क, कहाँ से दिखा रहा है भाई? नीचे से दिखा रहा है। हाँ, नीचे से। यहाँ पे आजू बाजू देखना पड़ता, नहीं तो साथ में लेके जाते हैं जहाँ जा रहे हैं लोग। अभी आ गए हम मेन एक्सप्रेस हाईवे पे। ग्लव्स निकाल के पहन लेता हूँ, पीछे बैग देख लेता हूँ बराबर है कि नहीं। ये साइड बाहर आ जा रहा है बाद में। आसमान है सुबह का। कल आगे देखो, निकलते हैं ऑल सेट। यहाँ से 383 किलोमीटर और है, और मास्क ऊपर कर लेता हूँ नहीं तो फिर ये लोग टन। ये लेन किसकी है मालूम नहीं, अलग से ही बनाई हुई है। आगे जाके एक तो नहीं हो रही, मैं सोचा था ये नदी घटा रही, बास आने का पता चला। कंडला, राजकोट, लिमडी, पगुड़ा, आंधा, हमको जाना है लेफ्ट। बाप रे, हमें तो ब्रेकर ही ब्रेकर है।
आया मेन रोड, राजकोट, ढोकला, खंडला, पूरा रास्ता सीधा, पूरा रास्ता जाने दो, जरूरत नहीं, अभी बंद कर डाल दे। सो वी आर एट गुजरात का कोई तो टोल गेट है, क्या मालूम। व्हीलर्स लेन, व्हीलर्स लेन, इधर भी ब्रेकर डालते हैं ना, अच्छा है। अरे 300 किलोमीटर है यहाँ से ऑलमोस्ट। हैवी ड्राइवर उतना भाई, MBBS था। बस हो गया, अभी गाड़ी चलाया नहीं जा रहा है, बाजू में अभी ट्रेन है, डाल के निकल जाते, क्या बोलते हो, डालना चाहिए कि नहीं। ट्रेन पहुंचेगी तब तो अपन दो बार जाके आ जाएंगे। जा रहा, मेरे पप्पा ने बांधा था, सबसे बेस्ट बांध के दिया था मुझे, और मैं बांधा दो बार मुझे बांधना पड़ा रास्ते में। ए बाबा रुक जा, इसमें भी क्रूज कंट्रोल डाल देना चाहिए था, महंगा नहीं सस्ता वाला चलता था। लगता है रुकाना ही पड़ेगा गाड़ी, पीछे का फेंस सही करना पड़ेगा, नहीं तो अटक जाएंगे कहाँ पे, पीछे से गिर ना जाए। चरोड़ी, चारोड़ी, मतलब एक भी ऐसा रूट नहीं मिला जहाँ बीच में से ट्रेन जाती हो। बाबा रेस लगाएगा, आ जा। अरे ओ गाइस, उधरी हंडा डाल के सो गए वो लोग। फूड भी पैक कर दिया है, भवन भी बना दिया है, लगता है कल रात को ही हुआ ये सीन, टेम्पो पलटी हो गया था। सो वी रीच टू अनदर टोल, ये टोल को देख के एक छोटी सी याद आती है, एक मीरा रोड टोल की स्टोरी है। मेरे दोस्त को जाना था मीरा रोड, और हम लोग थे मलाड, मलाड से मीरा रोड ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर होता है, पर उल्टा भाई बाइक से जाते, बोला ठीक है चल। तो वो लोग थे दो जन, ना बाइक तो थी पर ना लाइसेंस था, गाड़ी का पेपर था, बोला चलो जाते। चले तो गए, फिर मीरा रोड टोल पे आके पता चला कि बहुत कड़क नाकाबंदी लगी है। कड़क नाकाबंदी में हुआ ऐसा कि एक जन रॉन्ग मार के आ रहा है वो टोल से, और मैं उसमें से ही घुस गया, घुसा तो पीछे से पुलिस वाला और आगे से पुलिस वाला, तो मैंने रुकाया नहीं, सीधा घुसा डाला गाड़ी वहाँ से, और वो पुलिस वाले ने डंडा घुमाया, सब लोग नीचे झुक गए, नसीब बच गए तीनों जन। बस साइड से थोड़ा सा स्क्रैच आया बस गाड़ी पे, वो डिवाइडर का जो पत्थर रहता वो टच हो गया गाड़ी पे। ये स्टोरी है ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी, जब मैं 11th में था, नहीं 3 साल पुरानी। नारियल के पेड़ है, गाइस एंगल आपको मुझे लगता है ठीक नहीं आता रहेगा, क्योंकि पीछे जो बैग है उसके वजह से वो बैग घड़ी घड़ी आगे आ जाता है, वो इशू कर रहा है रोड, और जो दो मौसम है दोनों चीज़ जहर जहर यहाँ पे, ना ठंडी लग रही है ना गर्मी लग रही है, प्लीजेंट सा वेदर है। ऑलमोस्ट 287 किलोमीटर बचा अभी, भाई को लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ
एसपी के। हाँ इधर जा रहा आशापुरा। आशापुरा वहाँ पे हम एक महीना एक दिन हो गए चलते हैं। अच्छा दवा खाने खर्ची हो गई, करता हमारे कोई आने वाले कोई चाय नाश्ते की मदद कर दी। मेरे माँ भाई समझ कितना दूर। अरे काका मैं खुद मुंबई से आया हूँ। हाँ मुंबई से मेरे साली डोमोली में रहती है। अच्छा थोड़ा चाय के लिए मदद। मैं मुंबई से आया हूँ। ऐसा सो दो सौ की मदद करो। मैं चाय बनाई यार। थोड़ा खाना खाने की मराठी हो तुम इसलिए बोल रहे हो। मराठी नहीं है गुजराती है। मराठी है ना। हाँ गाड़ी मराठी। गाड़ी कैसे मराठी होगी, महाराष्ट्र की है गाड़ी। महाराष्ट्र की है। चाय नाश्ते के लिए मदद करो। ये लो का बस है। हेलो कहाँ से आ रहे हो भैया आप? हाँ कहाँ जा रहे हो? भुज। कहाँ से आए? मुंबई। कब निकले थे? कल निकला था, कल शाम को। हाँ अकी नाइट चले? अकी नाइट चलते थे। हाँ नहीं अकी नाइट नहीं, अहमदाबाद में स्टे लिया था। हाँ चलो थैंक यू। चलो ये जो छोटी मोटी मदद करके जो वाइब्स मिलती है वो अलग ही रहती है भाई। भले अपना उतना ही तो ठीक है, पर उनकी जो कहते ना दुआ अपने को कहीं ना कहीं लग जाती है। टोल प्लाजा कहाँ का है भाई? फ्यूल स्टेशन है तो कोई चांस नहीं लेता, दो पॉइंट पड़े फ्यूलिंग करा लेते। टक्कर बंद नहीं होगा। We are at Roshi Lala toll gate, 500 meter. यहाँ से भुज है, कुछ तो लिखा ही नहीं है भाई। झोल कर रहे हो तुम लोग झोल। तो हमको यहाँ पे वापस एक शुगर कैन जूस वाला मिला। इस बार ठंडा नहीं, सादा पियेंगे और थोड़ी देर पहले बैठेंगे। किलोमीटर कंडला 117 मेरे को जाना है। ये टनल से राइट कंडला साइड भी ये जो रूट मिलेगा मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। पहले से
ये देख रहे हो ये पहाड़ किस चीज़ के बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना। आजू बाजू दो दो तरह नमक नमक ये देख रहे हो विंड मिल मोर टोल प्लाजा वन मोर नेशनल हाईवे। ये जो रूट था ना बहुत सही रूट था, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का रूट था, आजू बाजू पानी था। कुत्ता मर गया रोड के बीच में। एक साइड में कर दो ना, किधर उधर रख दो बीच में, रुक जा इनको जाने दो। इस साइड करो। अरे इधर फिर कोई चढ़ा के लेके जाएगा यहाँ से। नहीं, यहाँ से साइड में है, देख लेंगे ना, होटल वाला खुद ही करेगा। बराबर, हाँ ठीक है, चलेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। लगता है ये जो एक्सीडेंट है रात को हुआ है, बीच में आ गया रहेगा, टेम्पो वाले ने दबा दिया रहेगा। अब नहीं बोलूंगा बाबा अनदर टोल, पक गए रहेगी तुम लोग टोल देख देख के आगे। एक भी टोल पे पुलिस वाला नहीं है। चलो मुंबई, टोल छोड़ो, हर घर बांधा रहेगा, वहाँ पे पुलिस वाला रहेगा। मिला यहाँ पे ट्रेन की पटरी पे, ऑलमोस्ट 103 किलोमीटर बाकी है। और उन्हें वो पैर नीचे नहीं रखने का है। चलो चलो, चलो। अराउंड 45 किलोमीटर इज लेफ्ट। अभी का ये जो लास्ट पैच एक नहीं ख़त्म हो रहा जल्दी जल्दी, और हालत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी है। और कुछ देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते। और सोच रहा हूँ छोटा सा ब्रेक ले लूँ, पर ब्रेक ले लूँगा तो फिर से वही टाइम तो वही रहेगा, पर थोड़ा आराम मिल जाएगा बस। दर्द चालू हो गया, अरे बाप रे, देख रहे हो विंड मिल का पंखा। कितना छोटा सा दिखता है ये देखो,
जी और एक पहुंच नहीं आए बस। मेरी नानी को पता नहीं कि मैं आया हूँ इतना बड़ा टूर करके, तो उन्हें जाके डायरेक्ट डरा दे। उनका रिएक्शन देखते कैसा आता है। यहाँ पे थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। अंकल यहाँ से रास्ता है क्या? सो गाइस पार्ट टू का क्लोजिंग करना रह गया था बाकी, थोड़ा सा रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाया, लास्ट में हुआ कैमरा बंद। तो आपको पार्ट वन कैसा लगा और पार्ट टू कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। पार्ट वन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैंने व्लॉग एडिट करते टाइम कर तो दिया एडिट, पर उसके बाद जब एंडिंग कर रहा था तो अब मैंने व्लॉग देखा नहीं, खाली एडिट किया और डाल दिया, अपलोड ही कर दिया सीधा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लाइट नहीं थी तो चार्जिंग भी नहीं थी लैपटॉप में, और सोचा कि डायरेक्ट डाल ही देता हूँ, चार्जिंग भी कम है और 2 बजे बोला था कि ब्लॉग अपलोड भी करना है। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर बताना और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस, अभी नहीं, आगे जाके ज़रूर इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने मिलेंगे आपको। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।